ये सब हैं हमारे साथ, गुरदास मान जी। और हमेशा ही जब भी उनका इंटरव्यू करता हूँ तो बड़ा ऑनर फील होता है, आज भी वही केस है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी उधर आपके सब दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार सबका, बस की खास करके बहुत बहुत मुबारक हो। सर अभी सबसे पहले उस एल्बम की बात करेंगे जो अभी आप लॉन्च करने वाले हैं। अभी एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अप्रैल के अंदर एक एल्बम लॉन्च होने वाली है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या नई सौगात लेके आ रहे हैं आप फैंस के? अभी तो टाइम लगेगा उसको, अभी उसका नामकरण भी नहीं हुआ, मगर अभी थोड़ा वक्त है उस पर, तैयारी उसकी पूरी मुकम्मल तकरीबन नज़दीक ही है, मगर जब वो लॉन्च होने वाली होगी तभी अब उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। गुरदास मान जी के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, गुरदास मान जी ब्लैक बेल्ट हैं और उसमें ब्लू जी जी तो सर उसमें भी महारत हासिल कर रखी आपने। नहीं, महारत तो मेरी किसी चीज़ में भी हासिल नहीं है, मगर कोशिश मेरी ज़रूर रही है। तदबीरों पे नाज करोगे किस्मत पर पछताओगे, तदबीर मतलब कोशिशें, तदबीरों पे नाज करोगे किस्मत पर पछताओगे, दौलत से बिस्तर ले लोगे नींद कहाँ से लाओगे। सर 80s 90s में हम देखते थे कि जो पंजाब के जो पुलिस करते जाता, आप उसमें कई चीज़ें अपनी एल्बम में गाने में इंक्लूड करते थे, बुराइयों को कम दिखाते थे कि कम से कम इस चीज़ को, और तो अब क्या आपको लगता है कि कितनी चेंजेस आए हैं उस टाइम से अब तक, या अभी भी कहीं ना कहीं हावी है बुराई? वो तो चलती रहेगी अदौर, जहाँ सच्चाई है तो वहाँ झूठ भी है, है नी, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ चोर भी है वहाँ साध भी है, हाँ जी, सब दो दो पहलू बनाए हुए हैं, और मेरा ख्याल है उसके बिना दुनिया अधूरी है, क्योंकि एक ही जैसे सब लोग हों, सारे अच्छे ही अच्छे हों, कोई ऐसा बुरा काम नहीं, मेरा ख्याल है सब थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ड्रामा तो चाहिए, परमात्मा ने ऐसा ड्रामा ही रचा हुआ है। हम सब एक्टर्स हैं, अपनी अपनी एंट्री लेते हैं, अपनी अपनी एग्जिट लेते हैं, अपना अपना काम करके चले जाते हैं, जितनी सांसें दी हैं, जैसे जैसे काम की जो फीलिंग दी है, रोना है तो रो लेते हैं, हंसना है तो हंस लेते हैं, नाचना है तो नाच लेते हैं, ये सब कठपुतलियाँ हम उसकी। सर एक मैं उस गाने को बहुत पसंद करता हूँ आपका, बहुत अच्छा गाना है, बार बार मन करता है सुनने का, दिल दा मामला, वो आज भी जहन में है, क्योंकि जब छोटे थे सर आपको देखते हुए बड़े हुए हैं, आज भी वैसे के वैसे ही है। थैंक यू सो मच, आज मैं सुनाने वाला हूँ। अच्छा। आपकी फरमाइश जी जी, थोड़ा सा अगर हो जाए। नहीं, मैं अभी मेरी कंसंट्रेशन उस तरफ ही है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गुरदास मान जी, जिन्होंने बताया कि नई एल्बम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, उम्मीद करते हैं कि एल्बम आपको पसंद आएगी। कैमरा मैन दुष्यंत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।